सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर रश्मि सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, एस एस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। आज का टॉपिक एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन या रिसर्च मेथोडोलॉजी से संबंधित है और इस टॉपिक का नाम है स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इस पर शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है, इस पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और वैसे भी आपको अपनी रिसर्च में भी इस प्रकार की जानकारी की ज़रूरत पड़ती है जब आप अनुसंधान करते हैं, शोध करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं डेटा से। डेटा क्या है, क्योंकि डेटा आएगा बार बार या हमको इसके बैकग्राउंड में डेटा के बारे में पता होना चाहिए। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड इन टू डिफरेंट टाइप्स, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। मतलब डेटा क्या है कि हम मेजरमेंट करते हैं या ऑब्जर्वेशन, कुछ प्रेक्षण करते हैं या कुछ नापते हैं, उसी का संग्रह है और हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं, या तो परिमाणात्मक या गुणात्मक। तो जो क्वालिटेटिव डेटा होता है, अच्छा एक बात यहाँ पर समझाने के लिए कि क्वालिटेटिव डेटा का ये मतलब नहीं है कि ये क्वालिटी वाला डेटा है और क्वांटिटेटिव वाला विदाउट क्वालिटी का डेटा है। यहाँ क्वालिटेटिव से मतलब है कि हम इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं, ओके? तो क्वालिटेटिव क्या है कि इट रिफर्स टू इंफॉर्मेशन अबाउट क्वालिटीज, जहाँ पे हमको गुण जानने हैं, और इंफॉर्मेशन दैट कैनॉट बी मेजर्ड, है ना, जैसे गुणों की जानकारी, कितना मास अपने बच्चे को स्नेह करती है, हैं, इसको आप मेजर नहीं कर सकते, है ना, कोई कितना गोरा है कितना काला है, इस तरीके के जो कोई कितना किसी से ईर्ष्या करता है, इस तरीके के जो गुण हैं उसका नापना मुश्किल है, या आप कह सकते हैं नहीं नापा जा सकता है, उसकी सिर्फ गुणों की व्याख्या की जा सकती है। इट इज़ यूजुअली डिस्क्रिप्टिव एंड टेक्स्चुअल, या है ना, तो इस ये क्या हो सकता है कि वर्णनात्मक होता है, टेक्स्चुअल होता है, इसीलिए आप इसको मेजरमेंट इसका नहीं कर सकते, सिर्फ आपको क्वालिटीज के बारे में जानकारी मिल सकती है, इसलिए इसको क्वालिटेटिव डेटा कहा गया। क्वांटिटेटिव क्या है, इट इज न्यूमेरिकल, ये अंकिक है। इट इज यूज टू डिफाइन इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी काउंटेड, यानी कि वो प्रकार की इन्फॉर्मेशन, वो सूचना जिसको कि जोड़ा जा सकता है, गणना की जा सकती है, उसके लिए यूज किया जाता है। एंड इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस, इसका भी हम पुनः विभाजन करें तो दो प्रकार का हो सकता है क्वांटिटेटिव डेटा, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। डिस्क्रीट क्या है, दैट कैनॉट बी डिवाइडेड, मतलब पूर्णांक होगा डिस्क्रीट, एक दो तीन चार ऐसे चलेगा, लेकिन जो कंटिन्यूअस होगा कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू डिफरेंट पार्ट्स, यानी कि 1.1, 1.2, 1.3 करके चल सकता है, ठीक है। तो फिर अगर हम बात करें लेवल्स ऑफ मेजरमेंट की, जिसका कि हमने स्केल ऑफ मेजरमेंट, लेवल ऑफ मेजरमेंट जो हमारा टॉपिक है, तो ये क्या है, इट इज ए क्लासिफिकेशन दैट डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन द नंबर्स असाइंड टू वेरिएबल्स। मतलब इट इज ए क्लासिफिकेशन, एक ऐसा वर्गीकरण है दैट डिस्क्राइब्स, जो कि वर्णन करता है किसका, द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन द नंबर्स, यानी कि हमने अपने वेरिएबल को, हम रिसर्च कर रहे हैं, हमारे पास वेरिएबल है, उसको जो हमने नंबर असाइन किया है उसमें कौन सी इंफॉर्मेशन है छुपी हुई है, नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है उसके अंदर, ये हमको बताता है लेवल्स ऑफ मेजरमेंट। और इसके बारे में कौन, किसने बात की है, किसने इसको प्रपोज किया है, तो साइकोलॉजिस्ट स्टैनले स्मिथ स्टीवेंस, इन्होंने, ही हैज डेवलप्ड द बेस्ट नोन क्लासिफिकेशन विद फोर लेवल्स और स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। उन्होंने चार हमको स्तर बताए हैं इसके, और जिनका नाम नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो है, या नमित, क्रमित, अंतराल एवं अनुपात। और स्टीवेंस प्रपोज्ड इस टाइपोलॉजी, उन्होंने अपनी इस टाइपोलॉजी का वर्णन कब किया था, 1946 में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था ऑन द थ्योरी ऑफ स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, यानी स्केल्स ऑफ मेजरमेंट की थ्योरी के ऊपर जब उन्होंने बात की, तब उन्होंने वहां पर इन स्तरों का वर्णन किया, और तब से ये बेस्ट नोन क्लासिफिकेशन मेजरमेंट के फील्ड में चल रहा है। प्रॉपर्टीज ऑफ मेजरमेंट की अगर बात करें कि गुण क्या है इसके, तो ईच स्केल ऑफ मेजरमेंट हैज प्रॉपर्टीज दैट डिटरमाइन हाउ टू प्रॉपरली एनालाइज द डेटा, यानी कि जो प्रत्येक लेवल है वो ये हमको सुनिश्चित करने में हेल्प करता है कि कैसे हम डेटा का अच्छे से विश्लेषण कर सकते हैं। और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं इन मेजरमेंट के पास, आइडेंटिटी, उसकी पहचान, मैग्नीट्यूड, उसका परिमाण, इक्वल इंटरवल्स, उसके बीच का अंतराल, एंड अ मिनिमम वैल्यू ऑफ जीरो, ये सारी प्रॉपर्टीज इस लेवल ऑफ मेजरमेंट के पास है। तो शुरुआत करते हैं नॉमिनल से, क्या है नॉमिनल, ऑल्सो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, यानी कि इसको कभी कभी कैटेगोरिकल वेरिएबल्स भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसको हम कैटेगरीज में बांट सकते हैं। फिर और क्या खास बात है इसके पास, दे डोंट हैव ए न्यूमेरिक वैल्यू, इसके पास न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होगी। इट डिफाइंस द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ डेटा, यानी कि ये
सिर्फ और सिर्फ डेटा की आइडेंटिटी को डिफाइन करता है, और डेटा यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए नॉमिनल स्केल आर फ्रीक्वेंसी डेटा। फ्रीक्वेंसी का मतलब कितनी बार आया, द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इन ईच कैटेगरी, पुनरावृत्ति कितनी बार हो रही है, सिर्फ ये हमको बताता है। इट कैनॉट बी मल्टीप्लाइड डिवाइडेड एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वन अनदर। इसीलिए हम इस, चूंकि सिर्फ आवृत्ति है, सिर्फ ये नंबर बता रहा है, सिर्फ ये कैटेगरी बता रहा है, इसलिए हम इसको ना जोड़ सकते हैं, ना भाग दे सकते हैं, ना घटा सकते हैं, ना गुणा कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई कलर, आपकी आई का कलर क्या है, हमारी आई का कलर क्या है, उसमें कोई जोड़ घटाना संभव नहीं है। कंट्री ऑफ बर्थ एटसेट्रा, और नॉमिनल नॉमिनल डेटा कैन बी ब्रोकन डाउन अगेन इनटू थ्री कैटेगरीज। अगर हम इसका भी क्लासिफिकेशन देखें तो फिर से इसको तीन कैटेगरी में बांटा जा सकता है। क्या है, नॉमिनल विद ऑर्डर यानी कि इसमें कोई क्रम होगा, या नॉमिनल विदाउट ऑर्डर यानी कि क्रम भी नहीं होगा, और डाइकोटमस। डाइकोटमस का मतलब क्या है कि जैसे मेल और फीमेल, यस और नो, यानी कि दो ही कैटेगरीज पॉसिबल है, डाइकोटमस। देन अगर हम उससे वन स्टेप अहेड चलें, ऑर्डिनल पे पहुंचे, तो क्या होगा, इट डिफाइंस डेटा दैट इज प्लेस्ड इन स्पेसिफिक ऑर्डर। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें ऑर्डर होता है, यानी कि नॉमिनल के जैसा नाम तो है, कैटेगरी तो है, प्लस ऑर्डर भी है। दीज वैल्यूज कैनॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, यहाँ पे भी हम वैल्यूज को जोड़ घटा नहीं सकते हैं। द ऑर्डिनल स्केल कंटेन्स थिंग्स दैट यू कैन प्लेस इन ऑर्डर, यानी कि इसमें वो चीजें होती हैं जिनको हम किसी ऑर्डर में रख सकते हैं, जैसे लंबाई के घटते क्रम में, लंबाई के बढ़ते क्रम में, भार के घटते बढ़ते क्रम में। जैसे फॉर एग्जाम्पल हॉटेस्ट टू कोल्डेस्ट, सबसे गर्म है फिर उससे ठंडा है, फिर उससे ठंडा है, उससे ठंडा है। लाइटेस्ट टू हैवीएस्ट, हल्का है फिर उससे भारी है, फिर उससे भारी है, फिर उससे भारी है। रिचेस्ट टू पुअरेस्ट, सबसे अमीर है फिर उससे कम है, उससे कम है, उससे कम है, और ये गरीब है। इस तरीके का क्रम, हमको क्रम मिलना जरूरी है ऑर्डिनल। फिर ऑर्डिनल के बाद जब हम इंटरवल में जाते हैं तो इट कंटेन्स प्रॉपर्टीज ऑफ नॉमिनल एंड ऑर्डिनल डेटा। हमको ये ध्यान देना है कि जैसे हम ऊपर ऊपर बढ़ रहे हैं हायरार्की में, वैसे जैसे ऑर्डिनल के पास नॉमिनल की कैरेक्टरिस्टिक है, उसी तरह से इंटरवल के पास नॉमिनल और ऑर्डिनल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक होता नहीं बल्कि कुछ और उसमें जुड़ जा रहा है। इट कंटेन्स प्रॉपर्टीज ऑफ नॉमिनल एंड ऑर्डिनल डेटा एंड द डिफरेंस बिटवीन डेटा पॉइंट्स कैन बी क्वांटिफाइड। अच्छा, ऑर्डिनल में हमको ये नहीं पता चल रहा था, ऑर्डिनल देखिए, ये हमको ये तो पता चल रहा है कि स्पेसिफिक ऑर्डर में हमने अरेंज किया, हमको ये तो पता चल रहा है क्लास में कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, कौन थर्ड आया और कौन फेल हो गया, लेकिन हमको ये नहीं पता चल रहा है कि क्या फर्स्ट और सेकंड के बीच का डिफरेंस कितना है, सेकंड और थर्ड के बीच का डिफरेंस कितना है, थर्ड और फोर्थ के बीच में डिफरेंस कितना है, यानी कि जो बीच का इंटरवल है, जो अंतराल है, जो डिफरेंस है, वो हमको ऑर्डिनल में पता नहीं चलता, सिर्फ क्रम पता चलता है जो कि हमको इंटरवल में पता चल जाता है। यहाँ क्या कह रहा है कि बिटवीन डेटा पॉइंट्स कैन बी क्वांटिफाइड, हमको डेटा पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस भी पता है। इट शोज बोथ द ऑर्डर ऑफ द वेरिएबल एंड द एग्जैक्ट डिफरेंसेस बिटवीन द वेरिएबल्स, यानी कि हमको ये क्रम भी बताता है और उनके बीच का अंतराल भी बताता है, इसलिए हम इसको जोड़ घटा सकते हैं। दे कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच अदर बट नॉट मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड। यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर पाते हैं, और एन इंटरवल स्केल हैज ऑर्डर्ड नंबर्स विद मीनिंगफुल डिविजन्स, यानी कि इंटरवल स्केल जो है उसके पास ऑर्डर्ड नंबर भी है और डिवीजन जो है वो मीनिंगफुल भी है। एक बात यहाँ बहुत ध्यान से बताने के लिए, बार बार पूछा भी जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा इंटरवल स्केल का उदाहरण है, तो वहाँ हमारा टेम्परेचर, वो थर्मामीटर आ जाता है। क्यों थर्मामीटर आ जाता है, देखिए थर्मामीटर में क्या है, 40 डिग्री टेम्परेचर और 50 डिग्री टेम्परेचर, 80 डिग्री टेम्परेचर, 90 डिग्री टेम्परेचर। आप ये कह सकते हैं कि 40 से 50 के बीच में भी 10 डिग्री का अंतर है, 80 से 90 के बीच में भी 10 डिग्री का अंतर है, पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि 40 डिग्री टेम्परेचर का जस्ट डबल 80 डिग्री टेम्परेचर है, या 50 डिग्री टेम्परेचर 100 डिग्री का आधा है। नहीं, क्यों, क्योंकि जो जीरो है वो यहाँ काल्पनिक जीरो है, वो एक्चुअल जीरो नहीं है, एब्सोल्यूट जीरो नहीं, वो जीरो वो है जो हमने नाप के लिए, मापन के लिए, सुविधा अनुसार उसको फिट किया है। वहां जीरो डिग्री टेम्परेचर का अगर हम नापेंगे तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर वहां पर आएगा, तो जीरो यहाँ पे चूंकि एब्सोल्यूट नहीं है, इसलिए हम इसको रेशियो यहाँ नहीं कर पाते, मल्टीप्लाई नहीं कर पाते, डिवाइड नहीं कर पाते, और यही चीज हमको मिल जाती है हमारे नेक्स्ट स्केल में, जो कि रेशियो स्केल है। इट इंक्लूड्स प्रॉपर्टीज फ्रॉम ऑल फोर स्केल्स, मतलब रेशियो के पास नॉमिनल भी है, ऑर्डिनल भी है, इंटरवल के भी कैरेक्टरिस्टिक है। द डेटा इज नॉमिनल एंड डिफाइंड बाई एन आइडेंटिटी, ठीक है, कैन बी क्लासिफाइड इन ऑर्डर, क्लासीफाई कर सकते हैं, कंटेन्स इंटरवल्स, उसके बीच में इंटरवल होता है, एंड कैन बी ब्रोकन डाउन इन टू एग्जैक्ट वैल्यू, और उसको भी हम एग्जैक्ट वैल्यू के बीच में तोड़ सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमको उनके बीच का सही अंतर पता है।
फिर इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, वेट, हाइट एंड डिस्टेंस आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशियो वेरिएबल्स। अगर हम अपनी जगह पे स्थिर हैं तो हम क्या कहेंगे, हमने 0 किलोमीटर चले, 0 मीटर चले, 0 सेंटीमीटर चले, क्यों, क्योंकि हम चले ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें जीरो हो सकती हैं, हाइट जीरो हो सकती है, वेट जीरो हो सकता है। डेटा इन द रेशियो स्केल कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, डिवाइडेड एंड मल्टीप्लाइड। इसका जो डेटा है वो हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, भाग दे सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। तो क्या हुआ, रेशियो स्केल, रेशियो स्केल इज एग्जैक्टली द सेम एज द इंटरवल स्केल, बिल्कुल इंटरवल स्केल जैसा है, विद वन मेजर डिफरेंस, जीरो इज मीनिंगफुल हियर, क्योंकि यहाँ जीरो अर्थपूर्ण है, सार्थक है, इसीलिए हम जोड़ घटाना गुणा भाग कर पा रहे हैं, भाग दे पा रहे हैं, अनुपात निकाल पा रहे हैं। अगर इसी को हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू देखना चाहें तो देखिए, नॉमिनल है आपका, नॉमिनल में सिर्फ नेम्ड, हमको सिर्फ नाम पता थे यहाँ पे, ऑर्डिनल में नाम के संग हमको ऑर्डर भी पता चल गया, इंटरवल में नाम भी पता चला, ऑर्डर भी पता चला, और उनके बीच का प्रपोर्शनेट इंटरवल भी पता चल गया, और रेशियो में नाम भी है, क्रम भी है, अनुपात मतलब उसके बीच का अंतराल भी है, और अनुपात भी है। क्यों, क्योंकि कैन एकोमोडेट एब्सोल्यूट जीरो, क्योंकि इसके पास एब्सोल्यूट जीरो भी है। अगर हम इसका विश्लेषण करना चाहें, तुलनात्मक विश्लेषण इसका करना चाहें, तो नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल रेशियो है, नॉमिनल क्या कर सकता है, गुण क्या रखता है, यहाँ हम सिर्फ क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑपरेशन में सिर्फ हम ग्रुप बना सकते हैं, और सेंट्रल टेंडेंसी में सिर्फ मोड। क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या पता था, हमको फ्रीक्वेंसी पता थी, और मोड यही तो कहता है कोई चीज कितनी बार आ रही है, और वेरिएबिलिटी में क्या चलेगा, सिर्फ क्वालिटेटिव वेरिएशन। क्यों, क्योंकि नंबर इसके पास नहीं है। उसी तरह से ऑर्डिनल में प्रॉपर्टी क्या है, कंपैरिजन, हम कंपेयर कर सकते हैं कि हॉटेस्ट टू कोल्डेस्ट है, लोएस्ट टू हाईएस्ट, इस तरह से। ऑपरेशंस में सॉर्टिंग हो सकती है केवल, और सेंट्रल टेंडेंसी में मीडियन हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी रेंज और इंटरक्वार्टाइल रेंज निकाल सकते हैं। इंटरवल में डिफरेंस पता चल गया, ऑपरेशन क्या चलेगा, कंपैरिजन टू ए स्टैंडर्ड, किसी मानक से हम उसका तुलना कर सकते हैं, एरिथमेटिक मीन निकाल सकते हैं, है ना। और यहाँ वेरिएबिलिटी क्या है, डेविएशन। अरिथमेटिक मीन का क्या मतलब, जैसे हम माध्य निकालते हैं, जैसे हम औसत निकालते हैं, वही अरिथमेटिक मीन है, कि सबको जोड़ा फिर सम ऑफ वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। और रेशियो में, रेशियो में चूंकि हम भाग दे सकते हैं इसलिए हमको मैग्नीट्यूड और अमाउंट इसकी प्रॉपर्टी, ऑपरेशंस में हम रेशियो निकाल सकते हैं, हमको पता है कि रेशियो निकालने के लिए हमें भाग देना होता है। और सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि ये माध्य की जो केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे हैं उसमें से हम ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब कि जितने वैल्यूज हैं उनको पहले हम गुणा करेंगे फिर उसका वर्गमूल निकाल देंगे, एन टाइम्स फिर उसका अंडर रूट एन, ठीक है। और वेरिएबिलिटी में कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन, तो हम देख सकते हैं कि नॉमिनल वाला जो है वो लोएस्ट लेवल का है, कुछ नहीं यहाँ पे हम कर पा रहे हैं, लेकिन ऑर्डिनल में उससे बेहतर, इंटरवल में उससे बेहतर, रेशियो में चूंकि हम सारे मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस कर सकते हैं इसीलिए हम वेरिएबिलिटी भी इसकी ज्यादा है, सेंट्रल टेंडेंसी भी हम बेहतर पता कर सकते हैं इसमें। फिर अगर हम कंक्लूड करना चाहें तो क्या कहा जाएगा कि नॉमिनल स्केल क्या है, यूज्ड टू लेबल और डिस्क्राइब वैल्यूज, यहाँ पे हम सिर्फ चिन्हित कर सकते हैं वैल्यूज को। ऑर्डिनल स्केल्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ द डेटा, ऑर्डिनल स्केल में हमको डेटा का स्पेसिफिक ऑर्डर भी पता है। इंटरवल स्केल में क्या है, इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड द ऑर्डर एंड डिफरेंसेस बिटवीन देम, हमको ऑर्डर भी पता चल रहा है, उनके बीच का डिफरेंस भी पता चल रहा है। और रेशियो स्केल क्या है, द रेशियो स्केल्स गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट, यहाँ आइडेंटिटी भी पता है, ऑर्डर भी पता है, डिफरेंस भी पता है, प्लस अ ब्रेक डाउन ऑफ द न्यूमेरिकल डिटेल विद इन ईच डेटा पॉइंट, हमको ईच डेटा पॉइंट की अगर ब्रेक डाउन भी करना पड़े तो हमको सॉरी सारी न्यूमेरिकल डिटेल पता है। क्यों, क्योंकि यहां पे हम सभी प्रकार की मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस, गणितीय संक्रियाएं कर पा रहे हैं। ओके, सो लेट्स रिवाइज, डेटा क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव, डिस्क्रीट कंटिन्यूअस, फिर लेवल ऑफ मेजरमेंट किसने दिया, स्टीवेंस ने दिया, क्या दिया, नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल रेशियो दिया, फिर नॉमिनल में सिर्फ हमको कैटेगरी पता है, ऑर्डिनल में ऑर्डर भी पता है, इंटरवल में ना कैटेगरी भी है, ऑर्डर भी है, और डिफरेंस भी है, और रेशियो में कैटेगरी भी है, ऑर्डर भी है, डिफरेंस भी है, और एब्सोल्यूट जीरो भी है। ओके, तो नॉमिनल जो है हायरार्की लेवल में सबसे कम है, रेशियो सबसे ज़्यादा है। तो आई थिंक interesting topic is will become clear to you all, and that's all from my side. Okay, done.